12.5 में क्या बोला जा रहा है? इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली, जब भी कोई प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज होती हो एडियाबेटिकली, किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही हो एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक का नाम आते ही आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है, पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही मैं एडियाबेटिक वर्ड देखता हूं तो दिमाग में एक वर्ड आ गया कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्यों जीरो है। इसको देखते ही मैं ले सकता हूं Q = 0, Q = 0। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब यही है। फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर स्टेट, एक स्टेट क्या है आपके पास, ए है, और दूसरी स्टेट क्या है, बी है। तो कोई भी सिस्टम है जो स्टेट ए से एडियाबेटिकली स्टेट बी में जाता है, पहले मैं बना देता हूं, देखो ये स्टेट है आपके पास, कोई यहां से कोई यहां पे जा रहा है, चलो जाता कैसे है, वो ऐसा चला गया एडियाबेटिकली, उसको मैंने यहां पर पहुंचा दिया, कहां से, स्टेट ए से स्टेट बी पहुंचा दिया, वाया पहुंचा दिया पी, पी से होते हुए बी पर कोई पहुंच जाता है, कौन पहुंच जाता है, कोई गैस है जो स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है, कैसे जा रही है, एडियाबेटिकली जा रही है। ये क्या होता है, इधर वॉल्यूम होता है इधर प्रेशर होता है, ये कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस मिल गया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में और क्या दे रहे हैं, जरा देखो, एन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू इतना, इतना वर्क डन दिया जा रहा है, कितना, 23.2 अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। यहां आपको समझना है, जब भी वर्क ऑन द सिस्टम होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है ऑन द, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो आपको सॉल्यूशन में क्या मिल गया, आपको मिल गया प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस है एडियाबेटिकली, एक चीज एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक है इसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जैसे ही क्यू की वैल्यू जीरो होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्या कहता है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या बोलता है ये बोलता है कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, करेक्ट। और आपको यहां पे जो डब्ल्यू दिया जा रहा है कितना दिया जा रहा है, यहां वर्क डन आपको दे दिया गया है, कितना, वर्क डन डब्ल्यू दिया जा रहा है, किस प्रोसेस में है, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में जो वर्क डन है वो ऑन द है, तो इसका मतलब है आपके पास ये ए टू बी दिया गया है, किस रास्ते से है, ये इस रास्ते का दिया गया है, तो मैं ए टू बी लिख रहा हूं और यहां ले दे रहा हूं -22.3 जूल, इतना वर्क डन आपको दे दिया गया है। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ऑन द लिखा हुआ है इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, नो एक्सचेंज ऑफ हीट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लीजिए। तो क्यू की वैल्यू क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, जैसे ही जीरो पुट करोगे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आएगा, यहां से डेल्टा यू इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना, माइनस डब्ल्यू का मतलब -22.3, इसका मतलब आ जाएगा 22.3 जूल आ गया। ये क्या आया है, ये आया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ए से बी प्रोसेस की है, कहां की प्रोसेस, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ए टू बी की, वाया कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस पी है। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब इस पाथ के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वही किसी और पाथ के लिए होगी। अब वो पाथ चाहे कैसा हो, चाहे ऐसा हो जाए पाथ, चाहे पाथ ऐसा बन जाए कोई, चाहे कोई पाथ ऐसा आ जाए, कोई भी पाथ हो सकता है,
लेकिन मुझे कौन सा पाथ लेना है, मुझे पाथ लेना है क्यू, मुझे इस पाथ को लेना है। बोला क्या गया क्वेश्चन में, जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इफ गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया अ प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस में लेना है, इन विच हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज दिस, जिस प्रोसेस में हीट कितनी एब्जॉर्ब की गई है, इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब है, क्या हीट एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब है क्यू, हीट एब्जॉर्ब को हम लोग क्या लेते हैं, देखो ये प्रोसेस क्या है पी, ये क्यू प्रोसेस है, यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, मैं लिख रहा हूं हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब क्यू, किस प्रोसेस का है, ये प्रोसेस ए टू बी ही है लेकिन वाया क्यू है, ठीक है। अब ये हीट क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, तो जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है किसी सिस्टम के थ्रू तो वो पॉजिटिव ले जाती है, जब हीट सिस्टम से रिलीज होती है तो नेगेटिव ले जाती है, वर्क डन ऑन द होता है तो नेगेटिव, बाय द होता है तो पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ये साइन कन्वेक्शन है। तो यहां क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 9.35 कैलोरी, ये हीट एब्जॉर्ब है 9.35 कैलोरी, और साथ में दे दिया गया है कि 1 कैलोरी कितना होता है 9.35 इंटू 4.19 दिया गया है, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो इसका रिजल्ट कितना आता है, मैं बता दूं आपको, इसका रिजल्ट आएगा 39.17, कितना आएगा 39.17 जूल आ जाएगा, क्लियर हुआ, इतना रिजल्ट आपको यहां से मिल जाता है। अच्छा, मैंने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की, इस पाथ की जितनी है उतनी इस पाथ की भी होगी, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट वर्क डन वाया प्रोसेस निकालना है, मुझे क्या चाहिए, फाइंड आउट क्या करना है, मैं लिखने जा रहा हूं, फाइंड आउट आपको करना है वर्क डन वाया प्रोसेस, क्या W निकालना है, W निकालना है वाया प्रोसेस A टू B लेकिन Q प्रोसेस से, इस प्रोसेस से निकालना है, तो ये A टू B ही है लेकिन प्रोसेस Q से है, कितना आएगा ये बताना है, ये कैसे निकलेगा, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर से यूज कर लेता हूं, देखो यहां मुझे पता है Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W होता है, ठीक है, यह होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये है, तो मैंने यूज कर लिया, जैसे यूज करता हूं तो W कितना आएगा, W इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस डेल्टा U, डेल्टा U दोनों प्रोसेस के लिए सेम होगा, मैं यहां पे लिख दूं क्या, देखो पहले सॉल्व कर देता हूं, Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू आपके पास आई है 39.17 माइनस डेल्टा U कितना आया था, डेल्टा U आया था ये, डेल्टा U चाहे A बी प्रोसेस वाया पी हो, चाहे तो ए टू बी वाया क्यू हो, दोनों के लिए सेम होता है, तो यहां कितना आएगा 22.3, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कितना यहां से सॉल्व करोगे, इसको लेस करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है 16.8 जूल, जबकि एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है इसको 17 जूल, तो मैं भी अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट लिख देता हूं, कितना 17 जूल, लेकिन यहां आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहां पर याद रखना है कि जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू ए टू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा यू ये प्रोसेस कौन सा है, ए टू बी ही है, कितना ये वाया क्यू है और ये वाया पी है, कितना रिजल्ट है 22.3 जूल, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए मैंने इस पाथ की इंटरनल एनर्जी निकाल ली, वही इस पाथ की इंटरनल एनर्जी होगी, यहां पर मुझे हीट एब्जॉर्ब पता था तो मैंने यहां पे वर्क डन कितना होगा वो मैंने निकाल दिया, वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्या है वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं यहां पे ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये बाय द सिस्टम है, क्या है
बाय द सिस्टम है, मैंने यहां पे लिख दिया बाय द सिस्टम, इसको बोलते हैं आप वर्क डन बाय द सिस्टम होएगा ये। चलो आपको दिख जाएगा ये, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।